हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। दिवाइज यार, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। विंटर स्टार्ट हो गया है, प्यारा सा रोज़ ब्लूमिंग आया है, बहुत प्यारा सा प्यारा सा। और भी मैं कलर्स ऐड करूँगी अपने गार्डन में। देसी गुलाब तो है, ये पिंक है और वाइट और येल्लो भी था मेरे पास, तो बहुत ही प्यारा फ्लावर्स आया है और इसकी कली भी बहुत अच्छी बनी है। तो उसको फर्टिलाइज़र वगैरह अभी तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हम एक मेडिसिनल प्लांट की बात करेंगे जो मेडिकल में बहुत महत्व है, और काफ़ी ओल्ड जो लोग हैं ना जो मेडिकल प्लांट्स और ऐसे यूज़ करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा हड जोड़ या हड्डी जोड़ प्लांट के बारे में। तो अर्ली मॉर्निंग का पहले मैं व्यू दिखा देती हूँ। ये कल का जो वीडियो था ना मेरा छुई मुई के बारे में, तो उसमें मैंने इसको ऐसे स्टेम से तैयार किया था, तो अभी अच्छा दिख रहा है, ऐसे टावर जैसे इसका लुक आ रहा है। इस पर ये घोड़ा बैठा है, इंसेक्ट बैठा है, तो ऐसे टावर जैसा लुक आ रहा है। बाकी एज़ यूजल प्लांट्स अच्छे ही है। इस पर अगर येल्लो लीव्स आ रही है, रिमूव कर दो आप इसको। ऑरेंज में तो अभी एक ऑरेंज आया है, एक ऑरेंज आया। तो बात करें हड्डी जोड़ प्लांट की, हड्डी जोड़ जो मेडिसिनल प्लांट है, आयुर्वेदिक वाले इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे तो ये गिफ्ट मिला था आयुर्वेदिक से, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से मेरा भैया लेकर आया था। बहुत अच्छा प्लांट है। तो इस टेबल पे तो बिल्कुल जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करूँगी, फिर उस प्लांट को आगे करके दिखाऊँगी आपको। तो इसमें मैंने क्या इसको इसमें लगाया है, मिनिएचर पॉट में मैंने इसको क्या गार्डन लुक दिया, मैंने इसको ऐसे गार्डन लुक दिया है। थोड़ा सा स्पेस करना पड़ेगा वहाँ पर जगह, तो हम इसको आगे निकालते हैं, इसको बाहर निकालते हैं सारी चीज़ों को। तो ये हमारा प्लांट है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, एक मेडिसिनल प्लांट है। इसको भी इसको पीछे कर देते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, आयुर्वेदिक में इसका बहुत महत्व है, और जब भी अगर हड्डी वगैरह टूटती है तो ये क्रीपर जैसा प्लांट है, इसका बहुत बेनिफिट है। इसका चूर्ण बनता है, इसको पीस कर वगैरह आप चाहो तो इसको पानी के साथ लो, आप चाहो तो इसको दूध के साथ लो, और इसको कटिंग से ग्रो करने का इसका नॉट एरिया ये, यहाँ से आप इसको कट करो और ये नॉट एरिया मिट्टी में होना चाहिए। कटिंग इसकी आप सबसे पुरानी वाली कटिंग लो, इतना हार्ड कटिंग लोगे तो ये अच्छा चलेगा। तो आज मैं इसको वापस पूरा बाहर निकाल के वापस मैं इसको अच्छे से लुक क्रिएट करूँगी इसका। तो मैं इसको पूरा वापस बाहर निकाल के, आप चाहो तो इसकी कटिंग लगाओ, तो यहाँ पे इसका एक बेबी नॉट आया है, आप इसको यहाँ से कटिंग कर सकते हो। और ये काफ़ी पुराना है, मैंने तो इसको बुद्धा का गार्डन क्रिएट कर दिया था, मैंने कहा इसका लुक भी अच्छा आएगा और ये हार्डली भी प्लांट है, तो फिर मेरे गार्डन में बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसको बाहर तो निकाला है यहाँ से, अभी मैं इसको वॉश कर दूँगी। ये जो मैंने स्टेम लगाया इसको भी मैं एक बार बाहर निकाल दूँगी, बुद्धा को भी मैं बाहर, और स्टोन को भी सबको हटा दूँगी, सबको अच्छे से वॉश करके वापस एक गार्डन लुक दे दूँगी। और ये यहाँ पे एक बेबी पप्स में निकला है, बहुत ही अच्छा हेल्दी है, आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो और ऐसे भी ये लग जाता है। हम इसको वापस लगा देंगे, इसको भी हमने वॉश किया है, इसी साइज में इसको वापस लगा देंगे। मैंने इसको ऐसे एक डोर लुक क्रिएट किया है इसके ऊपर, बाकी आप चाहो तो इसको एक क्रीपर के हिसाब से लगा सकते हो। अब तो बहुत कम लोग यूज़ लेते हैं इसको, बाकी जो मतलब वेद वगैरह है ना वो लोग इसको यूज़ लेते हैं, या जो ओल्ड लोग हैं ना जिनको पता है, बाकी तो लोग इसके ऐसे पत्ते आते हैं इसके ऊपर, बाकी तो लोग यही समझते हैं कि एक प्लांट है या क्या है। बाकी ये जंगल साइड में और जहाँ लोग मेडिसिनल प्लांट का ग्रो करते ना, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। तो इसका प्यारा सा लुक क्रिएट हो गया, अब हम इसको यहाँ पर बुधा रख देंगे और इसको वापस इसकी जगह पे रख देंगे।
बहुत अच्छा सा प्लांट है, आप लोग भी ऐड कर सकते हो मेडिसिनल प्लांट। और सच में ये हड्डी जोड़ वाला एक अच्छा सा प्लांट है। थैंक यू। एक मेरा मिनिएचर गार्डन भी बन गया राउंड शेप का, और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी मेरे गार्डन में ऐड हो गया। बाकी फ्लावर प्लांट्स इंडोर आउटडोर तो सभी रखते हैं, आप मेडिसिनल प्लांट्स को भी ऐड करो, कभी ना कभी तो आप लोगों को ये काम आएगा ही आएगा। बहुत अच्छा प्लांट्स है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। उसको अपने जगह पे रख देते हैं। ये मेरे सेंट्रल टेबल की बहुत शोभा बढ़ाता है। एज यूजल जो लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड है उनको तो पता ही है, बहुत सालों से मेरे यहाँ पे है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।